जीवन में बनना है ना तो इंसानों का इंजीनियर बनो। एक छोटी सी कहानी को समझाता हूं मैं। एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर एक छोटा सा व्यक्ति इस कंपनी का डायरेक्टर तक बन जाता है कंपनी का डायरेक्टर। यस इट इज पॉसिबल। ये बात सुनने में कुछ इस प्रकार से है कि जैसे मोदी जी पहले चाय बेचते थे, आज वो पूरे देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये बॉस, ये तेरे दिमाग का सारा गेम है। तू जितना बड़ा सोच सकता है तो उतना बड़ा बन भी सकता है, पर चाहत तेरे को काम तेरे काम में होनी चाहिए। तो एक छोटा सा तुच्छ व्यक्ति एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर कैसे बन सकता था? एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो जो बंदा था किसी फिल्म इंडस्ट्रीज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट का वो डायरेक्टर था। उस बंदे के पास में टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं था, इवन वो ग्रेजुएट भी नहीं था। उसकी टीम के अंदर सब लोग ग्रेजुएट थे। मैं से रिलेट करूंगा पॉलिटिशियंस की तरह। पॉलिटिशियन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पर वो देश चलाना जानते हैं, क्योंकि वो लोगों को चलाना जानते हैं। उन्हें पता है किसको कैसे हैंडल किया जाएगा। ये स्किल बिल्ड करना आपको जरूरी है। उसने भी ये किया। उस बंदे के पास में अपनी टीम को चलाने का नॉलेज था। जैसे ही उसकी टीम ठंडी पड़ती, उसके अंदर की जो पावर थी पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करने की, वो उनमें ट्रांसफर करता, लोग काम करते, रिजल्ट निकल कर आता। और उसकी तनख्वाह उसके टीम में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग टेक्निकल लोगों से भी कहीं ज्यादा थी, क्योंकि कंपनी ने उसकी वैल्यूएशन को समझा कि इस बंदे की वजह से कंपनी को इतना प्रॉफिट मिलता है। और वो कोट भी नहीं करता कि मैं बहुत टेक्निकल नॉलेज रखता हूं, बट उस कंपनी को क्या जरूरत था, कैसे लोगों से काम कराया जाना चाहिए, वो ज्ञान उस बंदे में था। तो इसीलिए बॉस जीवन में कभी ये मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या डिग्री है और क्या डिग्री नहीं है। व्यक्ति चमकता अपने हुनर के दम पर है। तो हमेशा आज से ही अपने हुनर के पीछे काम करें, अपने आप को फिनिशिंग देने की कोशिश करें। जितना आपका हुनर होगा उतनी आपकी चमक और आपकी दमक और आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ने लगेगी। कभी भी ज्यादा बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम में बुद्धिमान बने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।